आज भारत के मुसलमानों को भी यह तय करना है जो आज भारत में रहते हैं कि उनके असली पूर्वज कौन थे। इस्लाम धर्म का उदय 7वीं शताब्दी में हुआ था और इससे पहले भारत में केवल हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के लोग ही रहा करते थे, और कोई धर्म के लोग यहां थे नहीं। लेकिन वर्ष 712 में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम यमन से संयुक्त भारत के सिंध प्रांत पहुंचा, जो आज पाकिस्तान में है। उस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और मोहम्मद गौरी के अफगानिस्तान लौटने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का बादशाह बना। ऐबक का जन्म मध्य एशिया में तुर्की भाषा बोलने वाले एक परिवार में हुआ था, इसलिए भारत के कुछ मुसलमान खुद को शायद ऐबक का वंशज मानते होंगे। हालांकि इसके बाद दिल्ली में वर्ष 1290 में खिलजी वंश की स्थापना हुई। एक और वंश आया, खिलजी वंश, और जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक बना। फिर इसके बाद तुगलक वंश आया और 1325 से 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली पर राज किया। वर्ष 1412 में तुगलक वंश की समाप्ति हो गई और फिर सैयद तुगलक वंश की स्थापना हुई और फिर 1451 में लोदी वंश के शासकों ने दिल्ली पर राज किया, जो अफगानिस्तान से आए थे। इसलिए आज भारत के जितने भी तमाम मुसलमान हैं, आज उन्हें हो सकता है उनमें से बहुत सारे अपने आप को लोदी वंश का भी बताते हों। लोदी वंश के बाद 1526 में मुगल भारत आए, जो तैमूर लंग के वंशज थे। तैमूर लंग मध्य एशिया का एक बड़ा मुस्लिम शासक था। मुगल काल बाबर की ताजपोशी के साथ शुरू हुआ था और उसके बाद बाबर का पुत्र हुमायूं दूसरा मुगल बादशाह बना। हुमायूं के बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब का शासन आया। औरंगजेब के बारे में तो आजकल आप बहुत सुन ही रहे हैं और हमारे देश में बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो औरंगजेब को ही अपना पूर्वज मानते हैं। बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह थे और कुछ मुसलमान हो सकता है उन्हें भी अपना पूर्वज बताते होंगे। इसलिए आज भारत के मुसलमानों को यह तय करना है, साथ ही पाकिस्तान के मुसलमानों को भी तय करना चाहिए, बांग्लादेश के मुसलमानों को भी तय करना चाहिए, क्योंकि उस जमाने में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश देश एक ही साथ थे, एक ही देश था। इन सबको आज यह तय करना चाहिए कि इनके असली वंशज कौन है, लोदी हैं कि मुगल्स हैं कि और कोई है। यह कुतुब मीनार पर अब तक का सबसे गहन विश्लेषण है जो आज हमने आपको दिखाया, और यह विश्लेषण तथ्यों पर आधारित है, इतिहास की सही जानकारियों पर आधारित है, एएसआई की रिपोर्ट पर आधारित है, ऐतिहासिक दस्तावेजों पर आधारित है, जिसमें हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर खुद साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। इसलिए आप चाहें तो इस विश्लेषण को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने परिवार के लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं, उन्हें कुतुब मीनार का असली इतिहास आज आप बता सकते हैं, जो कि आपके स्कूल में और कॉलेजों में इतिहास की किताबों ने आपको कभी बताया नहीं, क्योंकि इस विश्लेषण में जो बातें हमने बताई हैं वो आपको इतिहास की किताबों में शायद पढ़ने को नहीं मिली होंगी। इसलिए आज हम चाहेंगे कि जब हम इतिहास को सही करने की इस परंपरा को शुरू कर रहे हैं तो आपको ये विश्लेषण व्हाट्सएप के जरिए फॉरवर्ड कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए लोगों के साथ, या जिस भी सोशल मीडिया के जिस माध्यम पर आप हैं, आप इस विश्लेषण को अपने दोस्तों के साथ और समाज में अपने लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए। इससे उन सारे लोगों में जागृति पैदा होगी और उन्हें अपने इतिहास के बारे में सही जानकारी मिलेगी। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।